Hi everyone and welcome to An Academy. And yes, you can ace your school exams with An Academy. And this subscription is available on An Academy Learning App. You can use my code to get 10% off. Okay, moving on. My name is Smriti and I'm your science educator on this channel. And this is my little introduction. I've done my master's from Jamia Hamdard and my bachelor's from Delhi University. Mentored over thousands of students and now I'm here, aapke educator, aapke science educator, to clear all your doubts. ओके सो आज हम कौन सा चैप्टर करने वाले हैं. आज हम चैप्टर नंबर 5 करने वाले हैं, दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट. ओके वी हैव ऑलरेडी डन चैप्टर 1, 2, 3 and 4. आई होप यू हैव ऑलरेडी वॉच्ड दोज वीडियोस. अगर आपने नहीं देखी कोई चिंता की बात नहीं है, जरूर आराम से देख लेना. ठीक है, यू कैन मेक योर नोट्स एनी टाइम यू वॉन्ट. ओके दिस इज द वन शॉर्ट वीडियो ऑफ योर चैप्टर नंबर 5. ओके सो लेट्स मूव ऑन. एंड आज हम पढ़ने क्या वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के बारे में. व्हाट आर द डेफिनेशंस, एसिड बेसिस सॉल्ट की डेफिनेशंस क्या है सबसे पहले तो. एंड देन वी विल मूव ऑन टू द सोर्सेज ऑफ एसिड, आते कहाँ से हैं. ठीक है, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, इनको पहचानने के लिए इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो वो कौन से टाइप के होते हैं. एंड देन ऑफ कोर्स इन सब में हम पढ़ेंगे एग्जांपल्स. एंड मूविंग ऑन टू फैक्ट्री वेस्ट, हम सबको पता है केमिकल्स से काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं आपके वेस्ट में, उनको कैसे ट्रीट किया जाता है. ठीक है, सो शुरू करते हैं विद द डेफिनेशंस. एंड हियर इट इज, व्हाट आर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट. ओके सो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, एसिड्स हो या बेसिस हो, आपको पता होना चाहिए कि मेन डिफरेंस उनके बीच में क्या है, या आप डेफिनेशन कौन सी यूज़ करना चाहोगे. सबसे पहले तो अगर मैं बोलूं कि एसिड्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको अगर आप टेस्ट कर सकते हो, सो यू विल फाइंड कि एसिड काफ़ी खट्टे होते हैं इन टेस्ट. यू विल ऑलवेज फाइंड कि वो हमेशा सॉर टेस्ट के होंगे. ठीक है, लेट मी यूज़ वन हाइलाइटर हियर. ओके येलो इज गुड. सो यस, सॉर टेस्ट के हमेशा आपको दिखेंगे कौन से एसिड्स. तो जो सब्सटेंस हम टेस्ट करके बता सके जो एडिबल है, दे आर मोस्टली सॉर इन टेस्ट, काफ़ी खट्टे होते हैं एंड करोसिव इन नेचर. नाउ टॉकिंग अबाउट बेसिस, बेसिस की अगर मैं बात करूँ, दे आर क्वाइट स्लिपरी एंड ऑल्सो दे आर बिटर इन टेस्ट, काफ़ी कड़वे होते हैं टेस्ट में, काफ़ी कड़वे होते हैं. एंड ऑल्सो अगर आप टेक्स्चर देखो उनका, तो काफ़ी स्लिपरी होता है ऑफ योर बेसिस. ओके सो दीज आर द बेसिक बेसिक टर्म्स टू डिफ्रेंशिएट योर एसिड्स एंड बेसिस. ओके सो फार वी हैव स्टडीड दैट एसिड्स होते हैं खट्टे और बेसिस होते हैं बिटर, दैट इज योर कड़वापन. ठीक है, तो हमने ये सब चीज़ें देख ली हैं. नाउ लेट्स सी कि क्या किसी और भी डेफिनेशन होती है क्या मैम एसिड बेसिस की. ऑफ कोर्स होती है, देयर इज वन मोर डेफिनेशन फॉर एसिड्स एंड बेसिस जिसके बारे में अभी हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे बाद में. ठीक है, और लिखा है मैंने यहाँ पर, एंड एसिड इज ऑल्सो एन हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस. यू कैन ऑल्सो से कि एसिड में आपको हमेशा क्या दिखेगा, एक हाइड्रोजन आयन, HCl हो, दीज आर ऑल द एसिड्स के एग्जाम्पल्स, HNO3 हो, H2SO4 हो. यू कैन सी कि यहाँ पर एक चीज कॉमन है, दैट इज योर एच आयन. वो चीज कॉमन है, दैट इज योर एच आयन. एसिड्स में एक चीज कॉमन दिख रही है मेरे को सब के सब केमिकल फॉर्मूलाज में, दैट इज योर हाइड्रोजन आयन. राइट, तो जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, एज यू कैन सी मेरे पीछे H+H+H+ आपको सोल्यूशन के अंदर दिख रहा है. दैट मीन्स कि उसमें एसिड मिला भी होगा तो उसमें पक्का पक्का एच आयन होगा केमिकल फॉर्मूला में. सो एक दूसरा टर्म भी है कि एसिड ज्यादा हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस, जैसे आपको डेफिनेशन में यहाँ पर दिख रहा है, दे आर दी हाइड्रोजन, दे आर दी हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस. राइट, सो हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस ये होते हैं एंड दैट इज केपेबल ऑफ डोनेटिंग द प्रोटॉन. प्रोटॉन इन द सेंस एच प्लस को हम प्रोटॉन यहाँ पर कह रहे हैं. सो बस आपको इतना याद रखना है कि यहाँ पर अगर H प्लस है उसमें, तो ये पक्का एसिड है. ठीक है, और अगर उसमें OH आयन आपको दिखता है, जैसे कि बेसिस होते हैं आपके NaOH या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ योर बेसिस जिसमें हमेशा OH आयन पीछे से लगा हुआ होगा. तो दिस इज टू इंडिकेट कि आप केमिकल फॉर्मूला से कैसे पहचानो. अगर आप टेस्ट नहीं कर सकते केमिकल्स को, तो आप कैसे पहचानो कि व्हेन यू आर राइटिंग अ रिएक्शन. ठीक है, सो ठीक है, दीज आर सम ऑफ द टर्म्स कि हम रिएक्शन के तौर पे या टेस्ट करके कैसे पहचान सकते हैं कि एसिड्स है या बेसिस है. लेट्स मूव ऑन और आगे देखते हैं सोर्सेज ऑफ एसिड्स की बात करते हैं शुरुआत से.
सोर्सेज ऑफ एसिड्स आप हमेशा देखोगे कि डिफरेंट टाइप के एसिड्स होते हैं दुनिया में, एक टाइप का एसिड तो होगा नहीं, राइट? वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसिड्स और डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से आता है, एंड दीज आर सम ऑफ द नेचुरल वंस जो आप टेस्ट कर सकते हो. दीज आर द नेचुरल एसिड्स, इन्हें हम कहते हैं नेचुरल एसिड्स, एंड यू कैन एक्चुअली टेस्ट देम बिसाइड्स योर चीटी जो आपको एंड दिख रही है. ओके, सो यस, विनेगर, लेमन, एप्पल, टोमेटो, ग्रेप्स और मिल्क, ये सब एडिबल है, राइट? अगर आप देखोगे लेमन में तो काफ़ी खटास होती है. जब भी हम नींबू पानी पीते हैं तो हम हमेशा देखते हैं कि नींबू में काफ़ी खटास होती है, तो वो इसीलिए होती है क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई एसिड प्रेजेंट है. वो कौन सा एसिड होता है? आपका सिट्रिक एसिड. आपके लेमन में भी एक बहुत ही खट्टापन देने के लिए एसिड होता है उसके अंदर, दैट इज़ योर सिट्रिक एसिड, एंड इट्स वेरी गुड सोर्स ऑफ योर विटामिन सी एज वेल, जो कि हमने सिक्स क्लास में पढ़ा है. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट विनेगर, विनेगर हम यूज़ करते हैं, राइट? हम अपनी कुकिंग में विनेगर पक्का यूज़ करते हैं. तो जो विनेगर होता है उसके अंदर भी जो खटास होती है वो भी किसी एसिड की वजह से ही होती है, और वो एसिड है यहाँ पर एसिटिक एसिड. ठीक है, नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू योर एप्पल्स. हम सबको पता है कि एप्पल्स हम पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं पसंद करते, बट येस, इट इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ. ओके, सो आपका कोई ना कोई फेवरेट फ्रूट होगा ही, बट अगर मैं बोलूँ एप्पल के बारे में तो एप्पल के अंदर भी एक एसिड प्रेजेंट होता है, दैट इज़ योर मेलिक acid, that is your malic acid. ठीक है, now moving on to tomatoes. Tomatoes is a kind of a fruit. ठीक है, it people think that it is a vegetable, it is an example of a vegetable, but it is a fruit. ठीक है, so yes, tomato के अंदर भी जो खटास होती है उसके अंदर होता है oxalic acid. उसके अंदर कौन सा acid होता है? Oxalic acid. ठीक है, so there are different kinds of acids in different kinds of food that we eat, that you eat, जो मैं भी खाती हूँ. ठीक है, एंड ऑल्सो जैसे कि ग्रेप्स है, ग्रेप इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ योर फ्रूट. सो ग्रेप्स के अंदर भी टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, इमली के अंदर भी एसिड होता है. जो भी खटास वाली चीज़ें आपको लगती है इसमें मोस्टली कोई ना कोई डिफरेंट टाइप का एसिड प्रेजेंट हो गई. अगर आप मिल्क में देखो तो मिल्क भी लैक्टिक एसिड उसके अंदर प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो दीज आर द सम द नेचुरल सोर्सेज ऑफ योर एसिड्स. ओके, एंड अगर मैं आपको चींटी की बात कर रही हूँ, दैट इज योर एंट हेयर, तो एंट खाते तो नहीं है हम, बट एंट जब हमें काटती है तो एक एसिड रिलीज करती है आपकी स्किन के अंदर. वो एसिड का नाम होता है फॉर्मिक एसिड. उस नाम क्या होता है उसका? फॉर्मिक एसिड. सो यस, दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोर्सेज फॉर योर एसिड, जिसमें बाकी सब एडिबल थे. ठीक है, लेट्स मूव ऑन एंड इन सबके टेस्ट देख लेते हैं. सो इफ आई टॉक अबाउट लेमन जूस, तो उसके अंदर लेमन है, सो सिट्रिक एसिड है, पक्का खट्टा होगा. ठीक है, आई एम सॉर्टिंग देम बिटवीन सॉर कौन सा है, बिटर कौन सा है, या कोई और टेस्ट है तो. ठीक है, ऑरेंज जूस भी खट्टा होगा, विनेगर खट्टा है, कर्ड आपका खट्टा है, इमली खट्टी है, शुगर तो स्वीट होता है, कॉमन सॉल्ट सॉल्टी होता है, आंवला भी खट्टा होता है, बेकिंग सोडा बिटर है, और ग्रेप्स भी खट्टा होता है. सो यस, आपको यहाँ पर दिखा है कि यहाँ पर क्या लिखा है, बेकिंग सोडा इज बिटर, इट इज नॉट सॉर, इट इज बिटर, इट इज कड़वा. बेकिंग सोडा इज कड़वा, दैट मीन्स इट इज अ बेस. ठीक है, सो देयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्ट. तो जो चीज़ें हम टेस्ट कर पाते हैं, जहाँ तक एडिबल खाने की बात है, वहाँ तक हम पहचान लेते हैं कि ये एसिड, इसमें कुछ एसिड प्रेजेंट होगा और इसमें कुछ बेस प्रेजेंट होगा. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ एसिड ही पूरा एसिड से बना हुआ है, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा बहुत कॉम्पोनेंट एसिड का होगा तो भी इसमें खटास आने लगती है, या थोड़ा बहुत उसमें बेस का कॉम्पोनेंट होगा तो उसमें क्या होगा, कड़वापन आने लग जाएगा. आगे चलते हैं. अब आपने जब एसिड्स एंड बेसिस की बात ही करी है तो उसमें पक्का पक्का एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक तो हो गई. ठीक है, आपको पता है कि दुनिया में एसिड्स एंड बेसिस हैं, तो कुछ होते हैं स्ट्रॉन्ग, कुछ होते हैं वीक इन नेचर. ठीक है, ऐसा नहीं होता कि जो मैं आपको बताऊँ वो स्ट्रॉन्ग ही होगा, कुछ होंगे वीक और कुछ होंगे आपके स्ट्रॉन्ग इन नेचर. ठीक है, सो स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं एंड स्ट्रॉन्ग बेस के भी एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दे रखे हैं. एज यू कैन सी, सारे एसिड्स के अंदर आपको एच प्लस आयन यहाँ पर नजर आ रहा है ना. सो इट इज वन ऑफ दी व्हाट यू से कॉम्पोनेंट, कैरेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक है वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स का, या एसिड्स का बेसिकली, कि उनमें एच प्लस आयन होता है. ठीक है, चाहे वीक हो या चाहे स्ट्रॉन्ग हो, उसमें एच प्लस आयन होगा. और स्ट्रॉन्ग बेसिस में एज यू कैन सी यहाँ पर OH हर जगह OH है. सो ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है आपका OH माइनस, ये रिप्रेजेंट करता है कि इट इज अ बेस. स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, दैट इज समथिंग एल्स, बट एच प्लस है तो एसिड है और OH माइनस आयन लगा है तो बेस है. दिस इज हाउ यू एक्चुअली फाइंड आउट कि वो चीज़ एसिड है या बेस है, थ्रू द केमिकल फॉर्मूला.
ओके, तो दिस हेल्प्स जब आप केमिकल रिएक्शन लिख रहे हो. नाउ व्हाट हैपेंस जब आप लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो. अब इफ आई टेक समथिंग, लेट्स से दिस इज माय बॉटल एंड आई हैव दिस, आई नो दिस इज ग्रीन इन कलर सो पता नहीं विजिबल है कि नहीं, बट यस ये मेरी बॉटल है और इसके अंदर मैंने आपको कुछ अननोन दे दिया जो आपको पता नहीं कि क्या है. अब आपको केमिकल फॉर्मूला कैसे पता होगा जब ये चीज़ अननोन है, राइट? सो हाउ विल यू नो कि जब ये अननोन है तो ये क्या है, ये एसिड है या बेस है? केमिकल फॉर्मूला तो बहुत दूर की बात है, तब तो नोन चीज़ों में होता है ना. जैसे आपको नहीं पता, आपकी टीचर ने बोला ये मैंने HCl दे दिया, अब आपको ये नहीं पता कि वो एसिड है या बेस है, तब आप फॉर्मूला से पहचान सकते हो, ठीक है? बट अगर मैं आपके टीचर को भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता और सडनली आपको कोई अननोन सोल्यूशन मिलता है तो आप कैसे टेस्टिंग करोगे? अब आप टेस्ट करके मत बोलना, टेस्ट नहीं कर सकते आप अननोन चीज़ों को. अगर आप टेस्ट करोगे अननोन चीज़ों को तो फिर हमें क्या पता वो कुछ पॉइजनस होगा तो, राइट? और एसिड एक आप सबको पता है कि कितनी जलन देता है, तो हम ये सब रिस्क नहीं ले सकते. सो वन थिंग इज वी कैन एक्चुअली यूज इंडिकेटर्स, यस वी कैन एक्चुअली यूज इंडिकेटर्स टू डिफरेंशिएट इफ द अननोन सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक. सो देयर इज वन मोर वे, दैट इज योर इंडिकेटर्स का रास्ता. इंडिकेटर्स इंडिकेट क्या करते हैं, वेदर द सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर या न्यूट्रल है. अगर कुछ नहीं आया तो न्यूट्रल है. वट डू अंडरस्टैंड बाई न्यूट्रल? लेट मी टेल यू टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स में जाने से पहले लेट मी शो यू वट इज इंडिकेटर. ओके, सो देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है? नंबर वन इज योर एसिडिक, सेकंड इज योर बेसिक एंड थर्ड वन इज योर न्यूट्रल. ओके, एज यू कैन सी मैंने यहाँ पर तीन तरीके के सॉल्यूशंस लिखे हैं. एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है या तो न्यूट्रल हो सकता है. तो एसिडिक में मैंने HCl डाला है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो आपके पेट में भी प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे हम कहते हैं HCl बाय केमिकल फॉर्मूला. सो यस इट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ एसिडिक नेचर, ठीक है? और इसमें H+ आयन आपको दिख रहा है. नेक्स्ट है आपका बेसिक आयन. बेसिक आयन में इफ यू कैन सी NaOH लिखा है मैंने, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज R, ठीक है? एंड दिस इज योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है? एंड दिस इज योर वाटर. ओके, सो द फर्स्ट वन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. बेसिक में आता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड न्यूट्रल जो चीज ना एसिडिक होती है ना बेसिक होती है, वी कॉल इट एज न्यूट्रल सोल्यूशन. और न्यूट्रल सोल्यूशन में बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, दैट इज योर वाटर. जिसका कोई टेस्ट नहीं दिखता. अब आपको पता है एसिड्स का जो आप खाते हो जिसमें एसिड प्रेजेंट होता है, जैसे कि एप्पल हो गया, विनेगर हो गया, दे हैव अ खटास, बिल्कुल सॉर टेस्ट आता है. दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ द एसिड. या अगर बेस प्रेजेंट होगा तो आपको काफी कड़वा लगेगा, लाइक मेडिसिन, है ना? बट अगर उसमें कुछ भी नहीं है तो क्या टेस्ट आएगा आपके हिसाब से? न्यूट्रल टेस्ट आएगा. सो वी कॉल इट एज न्यूट्रल, ना एसिडिक ना बेसिक, ठीक है? एंड वन ऑफ द एग्जाम्पल इज योर वाटर. सो ये बेसिकली मैंने उनको डिफरेंशिएट कर दिया थ्री फॉर्म्स में. नाउ इंडिकेटर्स की हेल्प हमें इसलिए मिलती है बिकॉज दे हेल्प अस टू इंडिकेट. अगर कोई चीज़ अननोन होगी दुनिया में, मैं कैसे साइंटिस्ट पहचानेंगे एसिडिक है बेसिक है, है ना? टेस्ट तो नहीं कर सकती और केमिकल फॉर्मूला तो बाद में पता चलता है जब वो डिस्कवर हो जाता है, है ना? सो टेल मी दिस कि मैं इंडिकेटर्स कैसे पहचानूंगी, मैं इंडिकेटर्स को कैसे पहचानूंगी. सो यहाँ पर तीन इंडिकेटर्स आते हैं आपके, यहाँ पर तीन इंडिकेटर्स आते हैं. वन ऑफ द इंडिकेटर्स योर नेचुरल इंडिकेटर. सबसे पहले तो जो नेचर से पाया जाता है वो कौन सा इंडिकेटर होता है? सो इंडिकेटर्स जो नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, लेट मी टेल यू द एग्जांपल्स. सबसे पहले आता है आपका लिटमस, टर्मरिक, रेड कैबेज, चाइना रोज एसेट्रा आर सम ऑफ द कॉमन नेचुरल इंडिकेटर्स यूज वाइडली टू शो द एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ एनी सोल्यूशन.
ठीक है, किसी भी सोल्यूशन का बताना है तो इन इंडिकेटर्स को यूज करेंगे ताकि हमें पता चल सके कोई चीज एसिडिक है या बेसिक है। टर्मरिक इज योर हल्दी, तो हल्दी तो हम हल्दी से पहचान सकते हैं, मैं आपको बता दूं कैसे, ठीक है। और इसमें से सबसे ज्यादा फेमस है आपका लिटमस वाला, ये जो लिटमस यहाँ पर लिखा है मैंने वो सबसे ज्यादा फेमस है जो लैब में भी यूज होता है इन द फॉर्म ऑफ पेपर, ठीक है। सेकेंड है आपका ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हम उन्हें कहते हैं जो स्मेल से बताते हैं कि ये बेसिक है या एसिडिक है। वन ऑफ द एग्जाम्पल इज योर अनियन एंड वनीला। अनियन हमेशा बेस के टाइम पे स्मेल खो देता है, अगर आप उसको यूज करो किसी बेसिक सोल्यूशन में तो आपका जो अनियन है वो स्मेल खो देगा, तो हमें फटाफट पता चल जाएगा कि ये बेस है, और अगर एसिड होगा तो स्मेल नहीं खोएगा। तो अगर एसिडिक सोल्यूशन पे आप अनियन यूज करते हो तो वो स्मेल नहीं खोता, ठीक है, तब वो स्मेल नहीं खोता, ओके। एसिडिक सोल्यूशन पे इसका कोई असर नहीं होता स्मेल का, बट बेस में नो स्मेल आ जाती है। तो अगर अनियन अपना स्मेल खो दे तो ये पक्का बेस होगा, और अगर ना खोए तो एसिड, ठीक है। सेम फॉर वनीला, अगर वनीला एसिड में नहीं खोती अपना स्मेल और बेस में नो स्मेल, ठीक है। सो आपका क्या होता है कि वनीला में आपकी कोई स्मेल नहीं जाती है एसिड के टाइम पे, पर बेस के टाइम पे उसकी स्मेल उड़ जाती है। तो इससे हमें पता चल गया कि सोल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है, है ना। तो दीज आर दी व्हाट डू यू कॉल रिस्पॉन्सिबिलिटीज या वर्क ऑफ एन इंडिकेटर, ये हमें ऐसे हेल्प करते हैं, ठीक है, ओके। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स आर यूज्ड टू इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स इन द लेबोरेटरी। द थिंग इज, इफ समवन इज विजुअली इम्पेयर्ड, वो स्मेल्स उनकी बहुत स्ट्रांग होती है, वो स्मेल से पहचानेंगे फिर, ठीक है। इफ दे कैन नॉट सी द कलर चेंज, जो कि बेसिकली इंडिकेटर्स में होता है, सो व्हाट विल दे डू, दे विल यूज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कि स्मेल से पहचाने। स्मेल से अगर स्मेल उड़ गई तो पक्का वो बेस है, अगर नहीं उड़ी तो एसिड है। तो हम तो देख सकते हैं, हम तो कलर चेंज से पता कर लेते हैं, बट स्मेल से जो स्पेशली विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स है वो ऐसे पहचान पाते हैं, तो इट इज वेरी हेल्पफुल, ठीक है। सो वी आर डन टू काइंड ऑफ इंडिकेटर्स, वन इज नेचुरल जो नेचर से पाया जाता है, सेकेंड इज ऑल फैक्ट्री, इट इज ऑल्सो नेचुरल, एंड थर्ड वन इज योर आई थिंक आई हैव मिस्ड इट, वेट, हाँ, थर्ड वन इज योर सिंथेटिक इंडिकेटर। थर्ड वन इज सिंथेटिक इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स जो केमिकली बने हैं, जो केमिकल से बने हैं, इन शॉर्ट जो केमिकल से बने, लाइक फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, दीज आर दी केमिकल्स, ठीक है। अब मैं जरा आपको बताती हूँ, जितना मैंने आपको बता दिया उस हिसाब से मैं आपको बताती हूँ। आई टोल्ड यू अबाउट नेचुरली अकरिंग, सबसे पहले नेचुरली अकरिंग मैंने आपको सबसे पहले बताया। आई टोल्ड यू अबाउट टर्मरिक, लिटमस पेपर और चाइना रोज पेटल, जो सबसे ज्यादा फेमस है इसमें लिटमस पेपर। टर्मरिक का मैं आपको बताती हूँ, टर्मरिक भी बिल्कुल वनीला अनियन के तरह वो बेस में ही आपका कलर चेंज करता है। सो अगर आप बेस सॉल्यूशन में टर्मरिक हल्दी डालते हो तो वो लाल हो जाता है, और अगर एसिड में डालोगे तो देर इज नो कलर चेंज, उसका कलर चेंज वहीं का वही है। तो आप ऐसे पहचानते हो, टर्मरिक जब इंडिकेटर की तरह वर्क करता है तो आप ऐसे पहचानते हो कि बेस के टाइम पे वो रेड हो गया और एसिड के टाइम पे वो वहीं का वहीं है, ठीक है। तो टर्मरिक आपको ऐसे हेल्प करेगा। इफ यू टॉक अबाउट लिटमस, जो सबसे ज्यादा फेमस है लिटमस, मैं आपको दिखाती हूँ, इट इज अ नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर। हाउ, अगर मैं लिटमस पेपर यूज करती हूँ लैब में तो पेपर बनता कहाँ से है, वो बनता है यहाँ से। इट इज इन द फैमिली ऑफ एल्गी और फंगाई, यू कैन से ट्रीज के ऊपर ऐसे चिपका रहता है ये, ये है आपका लाइकन्स, इसे कहते हैं लाइकन्स, से आपका लिटमस बनता है। सो व्हाट आर लाइकन्स? लाइकन्स आर बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द फॉर्म ऑफ योर एल्गी और फंगाई, ठीक है, जो स्टिक रहते हैं ट्रीज में, इनको हम यूज करते हैं और इनको हम सॉल्यूशन में मिला के पेपर वेपर बना के फिर टेस्टिंग में डालते हैं कि अब बताए कि एसिडिक है बेसिक, ठीक है। सो ये कैसे करता है लिटमस पेपर, कैसे करता है लिटमस पेपर, कुछ ऐसा करता है, जैसे हमने उसका पेपर बना दिया, पेपर के फॉर्म में यूज करना बेटर रहता है। तो मान लो मेरे को सॉल्यूशन नहीं पता, अगर आपका लिटमस पेपर रेड हो गया डालते ही सोल्यूशन के अंदर, देखो मैंने टच नहीं किया, मैंने टेस्ट नहीं किया सोल्यूशन को, मैंने लिटमस पेपर डाला शांति से
और मैंने लिटमस पेपर में उसका कलर चेंज ऑब्जर्व किया है, कलर चेंज ऑब्जर्व किया है, नथिंग एल्स, कलर चेंज ऑब्जर्व किया है. अब वो कलर चेंज दो चीज़ों में चेंज होता है, वेदर रेड, या तो रेड होगा या इट कैन बी योर ब्लू. सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ कलर चेंजेस, दैट इज योर रेड और इधर ब्लू. नाउ द थिंग इज कि रेड किस में होता है एंड ब्लू किस में होता है ना. तो रेड कलर होता है आपका जब उस सॉल्यूशन के अंदर कोई एसिड प्रेजेंट हो, तभी आपका लिटमस पेपर रेड में चेंज होगा. और अगर आपका ये लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो गया तो ये पक्का बेस है, तो ये पक्का बेस है. तो लिटमस पेपर के दो टाइप के कलर चेंज होते हैं, एसिड में भी कलर चेंज कर रहा है, बेस में भी कलर चेंज कर रहा है. बाकी क्या कर रहे थे, एसिड में कलर चेंज कर ही नहीं रहे थे, लाइक टर्मरिक, वनीला, अनियन, वो एसिड में कलर चेंज ही नहीं कर रहे थे. आई मीन स्मेल ना कलर कुछ भी चेंज नहीं कर रहे थे, है ना. बट लिटमस की जब बारी आती है तो लिटमस लैब में अगर मैं यूज करूँ उसका लिटमस पेपर, तो आई विल ऑब्जर्व कि जैसी सोल्यूशन में मैं डालूंगी, अगर वो रेड हो गया तो एसिडिक है, और अगर वो ब्लू हो गया तो बेसिक है, सिंपल लैंग्वेज में. ठीक है, तो दीज आर ऑल योर नेचुरल इंडिकेटर्स. ठीक है, सिंथेटिक की जब हमने बात करी, तो सिंथेटिक में मैंने लिखा फिनोफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज. लेट मी शो यू फिनोफ्थलीन में कैसे यूज करती हूँ. फिनोफ्थलीन में क्या होता है, वो एसिड में कलरलेस है, एसिड में कलरलेस होगा, और आप बेस में डालोगे तो पिंकी कलर आ जाता है, पिंकिश कलर आ जाता है बेस में. तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अलग अलग टाइप के इंडिकेटर्स है, और जो कलर चेंज है वो सबका सेम नहीं है, सबका इंडिकेशन कलर के थ्रू अलग अलग है फॉर एसिडिक एंड बेसिक. आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी. अगर आप अलग अलग इंडिकेटर्स यूज कर रहे हो तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कौन सा इंडिकेटर कौन सी चीज़ पे कलर चेंज कर रहा है, और वो भी कौन सा वाला. ठीक है, ओके, दिस इज द होल चार्ट, यू कैन नोट इट डाउन. मैंने ये चार्ट इसलिए बनाया ताकि आपको पता चले कि कौन सा वाला क्या कर रहा है. तो बेसिकली लिटमस का तो आपको बहुत चीज़ से पता है, रेड वाला आपका हमेशा क्या करेगा, एसिड में चेंज होगा, एंड ब्लू वाला आपका हमेशा बेस में चेंज होगा. ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने आपको बताया उतना याद रखो. टर्मरिक का भी आपको मैंने जैसे कि बताया कि वो येलो रखता है अपने आप को, एसिड में चेंज नहीं करता, और बेस में वो रेड कलर का हो जाता है. ठीक है, फिनोफ्थलीन का मैंने आपको बताया कि एसिड में कलरलेस रहता है, उसका ओरिजिनल कलर कलर इसका देखो यहाँ पर क्या है, लिटमस पेपर किसी भी कलर के बन सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता. बट हाँ, चेंज में ध्यान रखना कि चेंज किस में हो रहा है, बस इतना ध्यान रखना आपको. ठीक है, और टर्मरिक तो आप सबको पता है येलो कलर का होता ही है, तो वो कोई कलर चेंज नहीं करता एसिड में, रेड येलो ही रहता है, एंड रेड हो जाता है बेस में. रेड कैबेज जूस नेचुरली पर्पल कलर का होता है, वो कलर चेंज करता है रेड में आप एसिड में डालोगे तो, और ग्रीनिश येलो में जब बेस में होगा. फिनोफ्थलीन ओरिजिनली कलरलेस ही रहता है, तो कोई चेंज नहीं करता एसिड के लिए कलर, और पिंक हो जाता है बेस की कैटेगरी में. मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है ओरिजिनली, तो एसिड में डालते रेड हो जाता है, और यहाँ पर डाल के येलो हो जाता है. ओके, अनियन कोई कलर चेंज नहीं करता एसिड में, स्मेल वैनिश हो जाती है, वो तो स्मेल ही उड़ा सकते हैं, और स्मेल थोड़ी चेंज कर सकते हैं अनियन और वनीला. ठीक है, वनीला और अनियन का भी स्मेल नहीं चेंज कर सकते, दे कैन डू वन थिंग कि वो अपना स्मेल उड़ा दे जब भी बेसिक सोल्यूशन आए. ठीक है, एसिड में कुछ नहीं करते. ओके, सो आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ एसिड्स की तरफ हम बढ़ते हैं. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एसिड्स? ठीक है, गिव मी अ मिनट. ओके, सो टाइप्स ऑफ एसिड्स में है आपका, व्हाट आर द कैटेगरीज? वन आई टॉक्ड अबाउट कि नेचुरल एसिड्स कौन से होते हैं. नेचुरल एसिड्स आप सबको पता ही है, जो मैंने आपको अलग अलग चीज़ें बताई कि एप्पल में कौन सा होगा आपका, देन यू हैड योर विनेगर, राइट, एंड देन यू हैड योर लेमन, दीज आर द नेचुरल सोर्सेज, राइट, यू ईट देम. ठीक है, एंड ऑल्सो एंट को, जो उसको आप नहीं खाते उसमें तक फॉर्मिक एसिड वो थ्रो करती है काटने पे. ठीक है, दीज आर सम ऑफ द नेचुरल सोर्सेज ऑफ योर एसिड, जो नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, चाहे उनके पेट में प्रेजेंट हो, चाहे उनके मुंह में प्रेजेंट हो, चाहे उनके हमारे खाने में प्रेजेंट हो, दीज आर द टाइप्स ऑफ एसिड्स. और हमने एक और कैटेगरी सुनी कि एक तो खट्टे होते हैं, तो बेसिकली हमने एसिड्स में क्या क्या पढ़ लिया, एसिड्स की कैटेगरी मैंने सम अप कर रखी है यहाँ पर. हमने देखा वो खट्टे होते हैं अगर हम उन्हें टेस्ट कर सकते हैं, अगर टेस्ट नहीं कर सकते तो लिटमस पेपर अगर मैं इंडिकेटर यूज करती हूँ तो रेड हो जाता है लिटमस पेपर आपका. एसिड सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं बिकॉज दे हैव एच प्लस आयंस. अगर उनके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, लाइक आई सेड, इलेक्ट्रिसिटी तभी कंडक्ट होती है जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या कोई चीज़ फ्री हो.
तभी जाके उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, लाइक योर कंडक्टर्स. तो अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो अगर एच प्लस आयन्स है तो वो कंडक्ट करवाते हैं आपकी इलेक्ट्रिसिटी. और एच प्लस आयन या ओ एच माइनस आयन्स आपके एसिड्स एंड बेसिस में प्रेजेंट होते हैं, सो यस दे कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी एज वेल. ओके, अगर सोल्यूशन में आपका लाइक एसिड और पानी है, ठीक है, और इनके थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी दौड़ाओगे ना, तो ये पक्का दौड़ेगी इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज एच प्लस टूट जाता है आपका, इससे एसिड में से आपका एच प्लस अलग हो जाता है, और फिर वो इतने सारे फ्री एच प्लस आयन हो जाते हैं पानी में, और फिर वो कंडक्ट करवाते हैं फ्लो करवा के. जैसे आप बैटरी लगाते हो ना, तो सारे एच प्लस आयन्स ट्रैवल करते हैं, और उससे आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है उस मटीरियल के अंदर. ठीक है, काइंड ऑफ लाइक दिस. यहाँ पर एच प्लस आयन, एच प्लस आयन, एच प्लस आयन, एच प्लस आयन, बहुत सारे एच प्लस आयन्स है. सो जैसे आप बैटरी लगाओगे लाइक नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल, तो वो चलने लग जाएंगे आपके, सॉरी डायरेक्शन मैंने गलत दे दिया, ये प्लस है ना, तो ये माइनस की तरफ अट्रैक्ट होंगे, इस तरफ. दिस इज द माइनस टर्मिनल, दिस इज द प्लस टर्मिनल, तो इस तरफ अट्रैक्ट होंगे एंड दे विल फ्लो लाइक दिस. ठीक है, ओके, तो इससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी. दैट्स व्हाई इट इज रिटन कि वो भी कंडक्ट करते हैं. नेचुरल सोर्सेज, जैसे मैंने आपको बोला, अगर कोई मिस हो गया है सो प्लीज़ इसको ज़रूर आप पढ़ना. इमली में आपका टार्ट्रिक एसिड होता है. ठीक है, इफ़ आई टॉक अबाउट बेसिस, तो बेसिस भी आपके कड़वे होते हैं टेस्ट में, सोपी होते हैं टच में, एंड दे हैव देयर ओ एच माइनस आयन, दे हैव ओ एच माइनस आयन. वन ऑफ द एग्जाम्पल इज योर सोडियम हाइड्रोक्साइड, रिटन है, कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं उसे, कॉस्टिक सोडा, जो कि टेस्ट फॉर न्यूट्रिएंट्स में जरूर यूज होता है. वन एक और है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज कॉस्टिक पोटैश, उसे हम कहते हैं कॉस्टिक पोटैश. सो इसमें ओ एच माइनस आयन होते हैं, तो ये भी कंडक्ट करवाता है आपकी इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये भी एक आयन है, ये भी फ्री है, ये भी कंडक्ट करवा सकता है. एंड यस, ये आपके सारे बेसिस होते हैं. ओके, सो अब हम आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक में, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो कि काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट है. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, जैसे कि वर्ड आपको बता ही रहा है, न्यूट्रल, न्यूट्रल हो जाती है चीजें. आई टोल्ड यू अबाउट एसिडिक बेसिक्स एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन, और मैंने आपको पानी बताया था. पानी इज ए न्यूट्रल, आई डोंट फील एनी टेस्ट, और कोई भी टेस्ट नहीं है इसमें. ठीक है, आई कैन नॉट टेस्ट एनीथिंग, ना ही ये एसिडिक है, ना ही ये खट्टा है, ना ही ये बेसिक है, ना ही ये कड़वा है बेसिक में. सो दैट मीन्स कि ये न्यूट्रल है, राइट? सो व्हेन एन एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म अ सॉल्ट वाटर हीट, देन द रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. व्हाट हैपेंस इज, जब एसिड और बेस दोनों उल्टे हैं, आप सबको पता है कि एसिड और बेसिस उल्टे हैं. सो व्हाट, व्हेनेवर यू ऐड एसिड एंड बेस एक साथ, ठीक है, एक रिएक्शन आप कर रहे हो एसिड और एक बेस के साथ, एंड देर बोथ आर ऑपोजिट, दे बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर, व्हाट इज हैपनिंग इज एक दूसरे का इफेक्ट वो कैंसिल आउट कर देता है. क्या करते हैं, दिस इज वेरी खट्टा, दिस इज वेरी कड़वा, दिस इज हैविंग एच प्लस आयन एंड दिस इज हैविंग ओ एच माइनस आयन, व्हाट हैपन्स इज दे न्यूट्रलाइज ईच अदर, दे न्यूट्रलाइज ईच अदर. ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, ठीक है, एंड दोनों ऑपोजिट नेचर के हैं, एंड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं अगर हम इक्वल अमाउंट में इन दोनों को ऐड कर दें एक साथ. तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. बेसिकली जब कोई नहीं जीतता, ना एसिड जीतता है ना बेस जीतता है, क्योंकि उन दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट कैंसिल आउट कर दिया है. सो क्या बनाएंगे आपके हिसाब से, क्या बनाएंगे? क्या ये एसिडिक प्रोडक्ट बनाएंगे? नहीं. क्या वो बेसिक प्रोडक्ट बनाएंगे? नहीं, वो न्यूट्रल प्रोडक्ट बनाएंगे. ठीक है, ना इधर ना उधर, ठीक है. और न्यूट्रल, हम सबको पता है पानी न्यूट्रल होता ही है. तो जब भी आप एक एसिड और एक बेस को मिलाते हो, तो एक सॉल्ट निकलता है प्रोडक्ट के रूप में, और एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है. दिस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. कभी भी किसी चीज को न्यूट्रल करना हो ना, कभी भी एसिड ज्यादा हो जाए तो बेस डाल दो, ताकि उसका इफेक्ट कम हो जाए. अगर आपका एसिड है, ठीक है, या तो पानी डाल के आप डाइल्यूट कर लो, या तो एसिड के ऊपर अगर मैं बेस डालने की कोशिश करती हूँ, या बेस ज्यादा हो गया तो मैं एसिड डालने की कोशिश करती हूँ, तो एक दूसरे का इफेक्ट न्यूट्रल कर देते हैं. अच्छा, एक बात बताओ, जैसे कि कई बार क्या होता है, जैसे कि मैं मान लूँ मैं कुछ चीज़ कुकिंग कर रही हूँ, आई एम कुकिंग समथिंग, सो व्हाट इज हैपनिंग इज, अगर मैंने ज़्यादा मिर्ची डाल दी,
ठीक है, मैंने बहुत ज्यादा स्पाइस कर दिया, सो मैं उसे न्यूट्रल करने के लिए क्या करूंगी, मैं उसे कुछ ना कुछ उसका ऑपोजिट डालने की कोशिश करूंगी, कुछ भी मीठा, मान लो मैं मीठा उसमें डाल सकती हूँ, एंड जस्ट टू यू नो कंट्रोल द स्पाइस इन इन माई फूड, वट विल आई डू, आई विल एड समथिंग ऑपोजिट टू द स्पाइसेस, ठीक है, मैं कुछ ऐसा डालूंगी ताकि वो स्पाइस कम हो जाए, या तो मैं पानी डाल दूंगी ताकि उसका स्पाइस का कहते हैं आपका सोल्यूशन ज्यादा हो जाए, स्पाइस कम हो जाए उसके अकॉर्डिंगली, या मैं ऐसा करूंगी मैं कुछ ऑपोजिट डालूंगी सो दैट जो स्पाइस का टेस्ट है वो न्यूट्रल हो जाए, राइट. सो येस आई वट आई विल डू, आई विल एड समथिंग ऑपोजिट टू इट, ठीक है. तो ऐसे ही जब हम टेस्ट को न्यूट्रल करने की कोशिश करते हैं कि यार ये ज्यादा डल गया तो इसको ज्यादा डाल देती हूँ ताकि उसका ना टेस्ट थोड़ा बराबर हो जाए, है ना. ओके, लेट मी सजेस्ट समथिंग एल्स. ओके, अगर कोई चीज़ मीठी हो जाती है ज़्यादा, ठीक है, कोई भी चीज़ मीठी हो जाती है, आप हमेशा कुछ और डालने की कोशिश करोगे ताकि उसका मिठास कम हो जाए, ठीक है, चाहे वो केक बना रहे हो, चाहे कुछ भी बना रहे हो, ठीक है. इफ़ यू एडिंग समथिंग एल्स, चॉकलेट डाल रहे हो तो आप जैसे कहोगे शुगर डाल दूंगी और तो और मीठा हो जाएगा, ठीक है. सो आप न्यूट्रल करने के लिए या तो उसको वहीं कंट्रोल कर लेते हो या तो कोई चीज़ ऑपोजिट डालने की कोशिश करते हो ताकि उसका इफेक्ट कम हो जाए. तो यहाँ पर भी यही हो रहा है, व्हेन यू आर एडिंग एसिड्स एंड बेसिस यू आर एक्चुअली कैंसिलिंग देयर इफेक्ट, ठीक है, दूसरे एक दूसरे का वो कैंसिल कर रहे हैं इफेक्ट. सो इसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और उसमें से आपको एक न्यूट्रल प्रोडक्ट निकल रहा है, दैट इज अ वाटर H2O मॉलिक्यूल, एंड ऑल्सो सॉल्ट भी निकल रहा है जो कि न्यूट्रल प्रोडक्ट के अंदर आता है, न्यूट्रल सॉल्ट आ रहा है. यू ऑल ईट सॉल्ट, ठीक है, अपने खाने के अंदर आप सॉल्ट हमेशा लेते हो, है ना, सॉल्ट ही टेस्ट करता है वो, ना तो कड़वा टेस्ट करता है और ना ही वो खट्टा टेस्ट करता है, इट ऑलवेज टेस्ट लाइक अ सॉल्ट, सॉल्टी, ठीक है. वट इज हैपनिंग हियर कि सोडियम क्लोराइड है आपका, एंड ये कहाँ से निकला है, ये जो Cl है यहाँ पर, ये जो Na है, ये दोनों मिल गए और ये दोनों यहाँ से मिल गए, ठीक है. तो ये अलग से मिले हैं अपने आप को, H और OH यहाँ से बन गया H2O, और Na और Cl यहाँ से बन गया सॉल्ट, दैट इज अ कॉमन सॉल्ट जो आप घर में खाते हो, उसका फॉर्मूला है ये NaCl, ठीक है. सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब भी होती है तो हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं, दीज आर द रिएक्टेंट्स एंड दीज आर द प्रोडक्ट्स, पानी और नमक, ठीक है, एंड दीज आर योर एसिड एंड बेस. तो एसिड एंड बेस के बीच में रिएक्शन होती है और निकलता है क्या, सॉल्ट और पानी, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन डे टू डे लाइफ, डेली लाइफ में कहाँ देखते हैं हम, अच्छा जब भी आपका पेट में एसिडिटी होने लगती है, ठीक है, आपको पता है ना आपके पेट के अंदर HCl है, आप सबको पता है कि आपके पेट के अंदर क्या है HCl, आप सबको पता है कि आपके जो पेट में, लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर स्टमक एंड दिस इज HCl इनसाइड इट, ठीक है, हम सबको पता है आपका HCl रिलीज होता है सो दैट यू कैन डाइजेस्ट योर फूड. कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें खाने से क्या होता है कि आपकी एसिडिटी बढ़ जाती है, तो हम हमेशा क्या ड्रिंक करने के लिए बोला जाता है, हमें ड्रिंक करने को बोला जाता है जो चीज इसको न्यूट्रलाइज कर सके, इसको कम कर सके. तो हम ऐसा कुछ सोल्यूशन पिएंगे जो बेसिक होगा नेचर में, राइट. आपका एसिडिक जो हो रहा है अंदर वो एसिडिक, एंड जो आप पी रहे हो वो बेसिक है नेचर में. तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट कर रहे हैं और न्यूट्रल कर रहे हैं आपके पेट को, ताकि आपके पेट के अंदर एसिडिटी कम हो जाए, ठीक है. सो हमेशा हमें एडवाइस करा जाएगा कि ड्रिंक शुड बी बेसिक इन नेचर, ताकि वो जो एसिडिटी हुई है एसिड की वजह से इट कैन न्यूट्रलाइज इट, ठीक है. ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले आप इनडाइजेशन का एग्जाम्पल देख रहे हैं, दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द एसिडिटी. And to neutralize it, we will हमेशा we will drink something which is basic in nature. Okay, ठीक है, एक तो हो गया आपका, दूसरा कौन सा है, द इफेक्ट ऑफ एंट स्टिंग, ठीक है. अगर आपको कोई चींटी काट लेती है, आपको जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, अगर आपको चींटी काटती है, सो वट हैपन्स इज वो फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है आपके स्किन के अंदर, और हमेशा आपको अप्लाई करने के लिए, बेस अप्लाई करने के लिए बोला जाता है, सो दैट इट कैन रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड. एक और चीज़ है सॉइल, अगर आपको पता है कि प्लांट्स एक पर्टिकुलर सॉइल में ही उगते हैं, वेदर इट्स एसिडिक या बेसिक, वो हमेशा टेस्टिंग करी जाती है सॉइल की कि एसिडिक या बेसिक. इनफैक्ट मैंने अपने गार्डन के सॉइल की भी टेस्टिंग करी है, इट वाज अराउंड 7.0 समथिंग विच वाज क्लोज टू न्यूट्रल, ठीक है, मेरा सॉइल ऑलमोस्ट न्यूट्रल था, बट इट कैन ऑल्सो हैव सम कॉम्पोनेंट जिस वजह से आपका सॉइल बेसिक या एसिडिक बन सकता है. तो प्लांट्स जिसे एसिडिक नेचर में नहीं उग रहे, मान लेते कि वो एसिडिक नेचर में नहीं उगता, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सॉइल को उगाएंगे नहीं, नहीं. अगर वो आपका सॉइल एसिडिक है और प्लांट नहीं उग पा रहा एसिडिक नेचर में, सो व्हाट विल वी डू, हम क्या करेंगे कि एसिड में आपका
बेस डालने की कोशिश करेंगे ताकि आपका सॉइल थोड़ा न्यूट्रल होने लग जाए, ठीक है। तो एसिडिक सॉइल है तो उसको बेसिक करने की कोशिश कर जाएगी, ठीक है। एंड फैक्ट्री वेस्ट के बारे में हम लास्ट में पढ़ते हैं, डोंट वरी। सो लेट्स सी कि सबसे पहले वैप्स, ओके। सो वैप्स की अगर हम बात करते हैं, वैप्स जैसे आपको यहाँ दिख रही है, इट्स अ बी, एंड बी क्या करती है, बी रिलीज करती है आपकी स्किन में एसिड नहीं, बेस रिलीज करती है, इट रिलीजेस बेस, ठीक है। तो एक बेसिक चीज आपके स्किन पे डालती है, अगर वो काट ले तो हम क्या अप्लाई करेंगे आपके हिसाब से इसको न्यूट्रल करने के लिए? डोंट टेल मी कि आप बेस लगा दोगे ऊपर से, ऑलरेडी वो बेस उसने डाल दिया है, ठीक है। आपको अलग सा फील हो रहा है स्किन के अंदर, क्या आप इसके ऊपर बेस लगाओगे? नहीं, आप लगाओगे इसके ऊपर एसिड, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बेस उसने थ्रो कर दिया आपके स्किन के ऊपर, सो यू विल अप्लाई समथिंग टू न्यूट्रलाइज इट, और उसके ऑपोजिट सिर्फ एक ही चीज है, दैट इज एसिडिक। सो आपको हमेशा एडवाइस किया जाएगा, यू कैन अप्लाई समथिंग एसिडिक, जैसे लेमन, विनेगर, समथिंग विच इज नेचुरल एंड ऑल्सो एसिडिक। नेचुरल एसिड्स लगाने की कोशिश हमेशा बोली जाएगी, योर स्किन इज नेचुरल, सो आपसे नेचुरल ही लगाया जाएगा, दैट इज लाइक लेमन और विनेगर, समथिंग लाइक दैट विच इज एसिडिक इन नेचर, ओके। सो इफ इट थ्रोज बेसिक चीज अगर वो थ्रो करती है आपका वैप्स, यहाँ पर जो दिख रहा है काटने के बाद, सो आपको हमेशा एडवाइस करा जाएगा टू अप्लाई समथिंग एसिडिक ओवर इट, सो दैट इट कैन न्यूट्रलाइज योर बेसिक इफेक्ट, ठीक है। ओके, सो स्पेशलाइज बेस कंपाउंड जैसे हिस्टामिन, डोपामिन, ईच कॉम्पोनेंट इन द स्टिंग कॉजेज अ यूनिक इफेक्ट इन द बॉडी व्हेन इंजेक्टेड इन द बॉडी। अगर मैं आपको बात करूँ एंट की, तो एंट का स्टिंग में एसिड निकलता है, ये ऑपोजिट है उसके, एसिड निकलता है जो कि मैंने बताया फॉर्मिक एसिड उसके स्किन से निकलता है, ठीक है, उसके यहाँ से निकलता है मुंह से, एंड इट रिलीजेस इन द स्किन। अब मेरे स्किन में एसिड चला गया, फॉर्मिक एसिड, तो मैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या डालूंगी? बेस, बिल्कुल सही। तो एसिड प्रोड्यूस बाय द एंट इज कॉल्ड द फॉर्मिक एसिड एंड द नेम कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, मैं इसमें कुछ कैलामाइन सोल्यूशन या कुछ भी बेसिक सा मेडिसिन लगाने की कोशिश करूंगी जो बेस होगा नेचर में, ठीक है, ताकि उसका जो जलन हो रही है एसिड की वजह से वो कम हो सके, ठीक है। तो आपने पढ़ा वैप्स का, आपने पढ़ा चीटी का, लेट्स मूव ऑन एंड लास्ट टॉपिक इज पीएच स्केल, ओके। नाउ इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हमने बहुत कुछ पढ़ा है कि एसिड बेसिस को डिफ्रेंशिएट करे तो करे कैसे, ठीक है। लेट मी रिमाइंड यू, सबसे पहले हमने पढ़ा बेसिक डेफिनेशन थ्रू टेस्ट, तो केमिकल फॉर्मूला, थ्रू इंडिकेटर्स, एंड नाउ इज पीएच मीटर। ये दो चीजें बताता है पीएच मीटर, टेल्स यू, पीएच मीटर टेल्स यू टू थिंग्स, फर्स्ट एसिडिक है या बेसिक है या इनफैक्ट न्यूट्रल है, एंड ऑल्सो टेल्स यू अबाउट द स्ट्रॉन्ग एंड वीक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो दो चीजें बता रहा है आपको कि एसिडिक है बेसिक है, और अगर एसिडिक है या बेसिक है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, या स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। सो अगर आपके पीएच मीटर में, इट विल बी डिजिटल मीटर, जैसे कि हमारा थर्मोमीटर वगैरह होता है, इट विल बी डिजिटल मीटर एंड इट विल काउंट द एच प्लस आयन, और आपको बताएगा कि अगर 7 आ रहा है, अगर 7 आया आपका, ठीक है, सो अगर आपका आया 7 तो ये न्यूट्रल है, अगर आपके पीएच मीटर में आया 7 तो ये न्यूट्रल है, लाइक वाटर, उसका हमेशा अगर आप पीएच मीटर से पानी को नापने की कोशिश करोगे तो हमेशा 7 ही आएगा, 7 के करीब आएगा, ठीक है। अगर आपका पानी में मिनरल मिले हुए हैं तो दैट इज डिफरेंट, अगर टेस्ट आ रहा है पानी में, अगर वो सादा पानी है तो पक्का 7 के करीब उसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। अब 7 है न्यूट्रल, ठीक है, तो अगर आपका एक्सट्रीम, दिस इज द एक्सट्रीम एंड ऑफ द मीटर, ठीक है, एक्सट्रीम एंड से राइट, ये एक्सट्रीम राइट, दिस इज एक्सट्रीम लेफ्ट, एंड दिस इज समथिंग इन द मिडल, तो आप यहां पर देखोगे कि अगर एक्सट्रीम है तो ये तो जो 7 से ऊपर होता है, जो 7 से ऊपर होता है दैट इज फॉर द बेस, और जो 7 से कम होता है दैट इज फॉर द एसिड। रिमेंबर दिस, जो 7 से कम है दैट इज एसिड,
और जो 7 से ज्यादा है 14 तक, दैट इज बेस, फॉर द बेस। तो पीएच मीटर में अगर 7 से कम आ रहा है दैट मींस कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है, अगर 7 से ज्यादा आ रहा है 14 तक तो वो पक्का पक्का बेस है, ठीक है। पीएच मीटर में, दिस इज योर पीएच मीटर, इसमें डिजिटल वैल्यू आ रही है, मान लो डिजिटल वैल्यू आ रही है 12, तो 12 कहाँ पर आ रहा है आपका, 12 यहाँ पर है, राइट, दैट मीन्स कि वो एक बेस है। अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ, स्ट्रॉन्ग और वीक कैसे पता चलेगा। अब ये तो पता चल गया ये एसिड का है, तो अगर एक्सट्रीम एंड में है तो वो काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है, और अगर क्लोज टू न्यूट्रल वैल्यू आ रही है, अगर 7 से 6, 5 जो क्लोज वैल्यू है 7 के, आपको पता है 7 के बराबर क्लोज वैल्यूज जो 7 के आसपास है वो कौन सी है, क्लोज टू 7 कौन कौन सी डिजिट्स आपको दिख रही हैं, 5, 6, 8, 9, ठीक है, ये इसकी टेरिटरी है, और यहाँ तक आपको दिख रहा है कि 7 के आसपास 5, 6 और 8, 9 दिख रहा है आपको, दैट मीन्स अगर वो न्यूट्रल के तरफ आ रहा है सोल्यूशन, दैट मीन्स वो वीक है, चाहे वो इस साइड हो चाहे वो उस साइड हो, ठीक है। तो ये है आपका वीक एसिड। बेस का मैं आपको दिखा देती हूँ, यहां तक होगा वीक बेस क्योंकि 7 के क्लोज है, ठीक है, 7 के क्लोज है, एंड दिस विल बी अ स्ट्रॉन्ग एसिड अगर एक्सट्रीम राइट में, तो स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। दिस इज द होल पीएच मीटर, पीएच मीटर ऐसे वर्क करता है, एंड अगर पानी है, अगर कोई भी चीज न्यूट्रल है तो 7 आएगा पक्का, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझ आया हो। लास्ट टॉपिक इज फैक्ट्री वेस्ट। हम सबको पता है कि इंडस्ट्रीज से काफ़ी ज़्यादा आपका केमिकल निकलता है, इंडस्ट्रीज से आपका काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स निकलते हैं, काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स रिलीज होते हैं। सो उनको अगर हम सीधे वाटर बॉडीज़ में डाल देंगे, सो उनको तो क्या ही तकलीफ होगी, वो तो बाद में हो गया हमें। सबसे पहले एक्वेटिक लाइफ को सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। आप सबको पता है सबसे पहले किसको इफेक्ट पड़ेगा, एक्वेटिक लाइफ को सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है अगर हम केमिकल्स को इंडस्ट्री से बिना ट्रीट करे रिलीज कर दे वाटर बॉडीज में। सबसे पहले इफेक्ट पड़ता है एक्वेटिक लाइफ को, बिकॉज दे आर केमिकल्स। केमिकल्स से बहुत फर्क पड़ता है आपके एक्वेटिक लाइफ को, स्पेशली आप सबको पता है कि एक्वेटिक लाइफ जो होती है आपकी पानी के अंदर, दे डू नॉट यूज द गैस फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, दे ऑलवेज यूज द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द पानी। ऑलरेडी जो ऑक्सीजन पानी में डिजॉल्व्ड है वही एक्वेटिक लाइफ यूज करती है, और केमिकल्स क्या करते हैं, वो एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर करके वो यूज करने लग जाते हैं उस ऑक्सीजन को, केमिकल्स आपके जो आप बिना ट्रीट करे आपने वाटर बॉडीज में फेंक दी। सो केमिकल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहे होते हैं वो ऑक्सीजन यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, वो खत्म कर रहे होता है ऑक्सीजन जो कि पानी में लिमिटेड अमाउंट में डिजॉल्व है, जिसे हम कहते हैं डीओ। डीओ इज योर डिजॉल्व ऑक्सीजन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वट इज हैपनिंग हेयर, वो केमिकल्स इस चीज को खत्म कर रहे हैं, और वैसी लिमिटेड डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है पानी के अंदर उन एक्वेटिक लाइफ के लिए, और वो भी हम खत्म कर देते हैं केमिकल्स डाल डाल के। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन कि उन्हें कैसे तकलीफ होती है, और भी बहुत सारी चीजें केमिकल्स से उन्हें बहुत चीजों में तकलीफ होती होगी, फिजिकली एंड बायोलॉजिकली ऑल्सो, ठीक है। सो यही हमें बोला जाता है कि इंडस्ट्रीज से केमिकल्स निकलते हैं, इट्स ओके, फैक्ट्री वेस्ट होते हैं, बट यू शुड ऑलवेज ट्रीट देम एंड देन रिलीज देम इन द वाटर बॉडीज। अगर वो एसिडिक है वेस्ट, अगर आपका एसिडिक है वेस्ट, सो यू शुड ऑलवेज ट्रीट देम इन विद बेस, बेसिक चीजों से ट्रीट करना चाहिए ताकि वो न्यूट्रल हो जाए और वो पानी में, न्यूट्रल पानी में चले जाए। अगर वो आपका वेस्ट बेसिक है नेचर में, सो यू शुड ऑलवेज ऐड समथिंग एसिडिक टू न्यूट्रलाइज इट, ठीक है, ताकि अगर हम न्यूट्रल कर देंगे तो एक बार को ये होगा कि न्यूट्रल चीज पानी के अंदर जा रही है और कुछ नहीं, ठीक है। सो आई होप आपको आज बहुत अच्छा लगा वो सेशन, और आपको काफी सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए हैं। ऑल्सो लेट मी टेल यू अबाउट द अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, यू गेट सो मेनी फीचर्स इन दिस सब्सक्रिप्शन, यू गेट द कंफर्ट, घर का कंफर्ट मिलता है आपको, जितनी मर्जी क्लासेस देखो इट इज अनलिमिटेड, एंड टॉप एजुकेटर्स आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप में आपको मिलेंगे ऑन दिस प्लेटफॉर्म, यू गेट एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, यू गेट एवरी सब्जेक्ट देयर, मेंटोरशिप एंड गाइडेंस एंड स्टडी मटेरियल, यू गेट द PDF जब भी सेशन हो जाता है, यू कैन टेक आउट द PDF एंड मेक योर नोट्स आफ्टर द सेशन, प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज होती है, फॉर ऑल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ आपकी होती रहे, सो यू कैन अटेंड द टेस्ट सीरीज ऑल्सो, बैच कोर्सेज हैं, बहुत कुछ है आपके प्लस सब्सक्रिप्शन में। ये रहे आपके प्राइजेस, 3 months, 6 months, 12 months, 15 months, बहुत सारे हैं, रेंज बहुत सारी है, आपकी मर्जी है, नो कॉस्ट EMI है, एंड ऑल्सो ये आपका 7,500, 10,000 आप देखोगे प्राइस वेरी कर रहे हैं जैसे जैसे मंथ्स बढ़ रहे हैं, तो जितना आप लंबा लेते हो उतना आपको बेनिफिट मिलता है, बिकॉज आपको पर मंथ कम पड़ता है, एंड इट इज ऑलरेडी वेरी लेस, एज यू कैन सी 12 मंथ्स का अगर मैं बोलूँ एक साल का, तो इट इज ओनली 1,250 पर मंथ,
ठीक है, ऊपर से आप मेरे डिस्काउंट कोड लगाते हो तो और 10% कम हो जाता है, ठीक है, दिस इज योर SM राणा, यहाँ पर आप कोड लगा सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में क्या है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में यू विल सी पर्सनल मेंटर आपको दिया जाता है, दिस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज प्लस के साथ जो बेनिफिट्स है, प्लस के जो बेनिफिट्स आपको मैंने अभी बताए उसके साथ ऊपर से आइकॉनिक में मिलता है आपको पर्सनल मेंटर, लाइव डॉट सॉल्यूशन, वीकली रिपोर्ट, पेरेंट्स का कनेक्शन रहेगा, स्टडी प्लानिंग रहेगी एंड ऑल द बेनिफिट्स इन द प्लस सब्सक्रिप्शन। तो ये सब एक्स्ट्रा रहता है आइकॉनिक में, काफी पर्सनल अटेंशन दी जाती है आपको थ्रू द पर्सनल कोच इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। इसके प्राइस आप सबके सामने है एंड कोड स्टिल यू कैन यूज माई कोड हेयर ऑल्सो। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड डू लाइक द वीडियो, डू शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू नेवर miss any update from this channel. Okay, so thank you so much, please take care of yourself and let's crack it with an academy. Bye bye.